हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चमचम की मिठाई। तो इसके लिए हम 1 किलो दूध का, गाय के दूध का छेना फाड़ लिए हैं और हम 150 ग्राम चीनी लिए हैं, 1 चम्मच हम अरारोट लिए हैं, 1 चम्मच हम सूजी लिए हैं और हम थोड़ी सी एकदम बेकिंग सोडा लिए हैं और थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर लिए हैं और थोड़ा सा हम फूड कलर लिए हैं और 1 चम्मच हम नारियल का बुरादा लिए हैं। चलिए पहले हम छेना को मसल लेते हैं इस तरह से। एक बर्तन लिए हैं, इस बर्तन में हम इस छेना को हम डाल लेते हैं। देखिए ये छेना को हम डाल लिए हैं। हम नींबू से फाड़े हैं, आप इसको चाहें तो विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। इसको इस तरह से अब मसल देना है। तरह से इसको मसल दीजिए। इस तरह से इसको 5 मिनट तक इसी तरह से मसलना है। और इसमें जो हमें अरारोट रखे हैं इसको डाल रहे हैं, इसको भी हम मिला देते हैं इसमें। इस तरह से मिला दे रहे हैं। अब हम थोड़ा देर बाद इसमें सूजी डालेंगे। देखिए अब हम इसमें ये जो सूजी रखे हैं इसको डाल रहे हैं। इस तरह से सब कुछ डालकर हमको मिला देना है। इस तरह से मिक्स कर देना है सब। देखिए अब एकदम छेना का आटा बनकर तैयार है चमचम बनाने के लिए। तो अब चलिए हम शुगर सिरप बना लेते हैं। देखिए 1 गिलास हम पानी लिए हैं, एक प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूल्हा को ऑन कर लेते हैं और इस पर हम इसको चढ़ा दे रहे हैं। और इसमें जो हम ये चीनी रखे हैं ये चीनी को डाल देंगे। 150 ग्राम चीनी है। और ये जो हम इलायची रखे हैं, 2 इलायची का बीज को कूट दिए हैं, इसको डाल रहे हैं। अब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें चमचम की मिठाई डालेंगे। देखिए अब हम ये जो फूड कलर रखे हैं और ये जो हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर रखे हैं सबको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं और ये सबको हम अच्छा तरह से मिला दे रहे हैं। हर कलर का बनता है, आपको जिस कलर का बनाना हो वो कलर आप ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको मिला दे रहे हैं अच्छा तरह से। देखिए इस तरह से हम सब चमचम को बना लिए हैं, हम लंबा लंबा बनाए हैं। देखिए इधर शुगर सिरप में भी उबाल आ गया है तो अब हम इसमें इसको डाल देते हैं धीरे धीरे। इस तरह से इसको डाल देना है। देखिए उबल रहा है अच्छा तरह से, इसमें झाग भी है तो थोड़ा देर हम इस तरह से उबालेंगे। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। देखिए अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर दिए हैं, 1 सीटी देगा तब फिर इसको हम इसके ढक्कन को खोल देंगे। देखिए प्रेशर कुकर को हम चूल्हा पर से उतार लिए, सबको हम इस ट्रे में रख लिए हैं। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें नारियल का बुरादा लगाएंगे। देखिए अब इसमें हम इस तरह से नारियल का बुरादा लगा देते हैं, इसको हम इसमें रख रहे हैं। देखिए इस तरह हम 1.5 चम्मच में नारियल का बुरादा लगा लिए दिए हैं। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल की घंटी दबाएं जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आप तक जा सके।
शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।